वेलकम गाइस, इससे पहले हमने प्लेन मिरर देखा है। प्लेन मिरर में जो है पोजीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस जो है मिरर से होती है ऑब्जेक्ट तक की, उतनी डिस्टेंस जो है इमेज तक होती है, वो इक्वल होती है दोनों। और उसका जो है नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट, साइज जो है सेम साइज के होते हैं। अब इस वीडियो में आपको देखना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल कहां से बना है? स्फेयर से। स्फेयर का 2D अगर हम बोर्ड पर बनाए तो क्या होता है? सर्कल। ये तो फिगर होती है ना, किसी भी स्फेयर का सेंटर होता है गाइस। अब मान लीजिए इस स्फेयर को हमने काट दिया दो टुकड़ों में, ठीक है, इस तरह से काट दिया। अब ये कुछ हमारे पास सरफेस मिल रही है ऐसे, कर्व सरफेस, ये और ये अगर हमारी ग्लास से बनी है, और हमको क्या करना है, एक बार हम पॉलिश करेंगे बाहर की तरफ इसमें, और एक बार पॉलिश करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगी अंदर की तरफ, एक आएगी बाहर की तरफ। देखते हैं, पहले हमने पॉलिश कर दिया बाहर की तरफ और इसमें कर दिया अंदर की तरफ। मेन आपको क्या समझना है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली है, ठीक है गाइस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। अब आप सोच रहे हो इसको ऐसे बनाया है, इसको ऐसे बना सकते हो, ये भी कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाली है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मेन क्या चीज है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली है कॉनकेव मिरर के केस में। अब आप समझते कैसे हो कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा को जब आप बाहर से देखते हो तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगता है अंदर वाली, इसीलिए इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, और उसका उल्टा है कॉनवेक्स। मान लीजिए आपने स्पून ले रखा है, जो अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव होगा, उसके बाहर वाली है तो वो कॉनवेक्स होता है, ठीक है गाइस। और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होगा, वो जो सारी रेस को एक पॉइंट में मीट कराता है। मैंने आपको पहले बताया था कन्वर्ज का मतलब होता है सारी रेस को एक जगह पे मिलाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। तो कॉनकेव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग होता है, और कॉनवेक्स होता है डाइवर्जिंग होता है। इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी कॉमन टर्म्स देखेंगे, पोल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है गाइस।